वो तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, सदन में मुद्दों पर विरोध नहीं करेंगे तो सरकार के लिए एक सहूलियत होती है और हमने उसमें अपनी मर्यादा के भीतर भले ही कई बार सदन में ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन हम सब लोगों ने विधायकों की बैठक में भी तय किया था कि जो प्रमुख मुद्दे उस पर मुखरता से बात करेंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द होता तो होता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं, और आज विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर भी हम लोग विचार करेंगे। देखिए जो आशंका है और जिस तरीके की चर्चा है उसमें इस बिल के बारे में कांग्रेस की जिस तरीके की नीति रही है, कांग्रेस की जो इस मामले में उनका जो अपना एक नजरिया रहा है, उसमें जो सीधे सीधे सामाजिक हित टकराने वाले मुद्दे हैं उस पर पार्टी मुखर होकर अपनी बात को रखेगी। विधायक दल में तय होगा, काफी लोगों ने अपने उसमें संशोधन दिए हैं, जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ लोग हैं उनकी राय से उस बिल पर अपनी बात को हम प्रमुखता से रखेंगे। कल 3 विधेयक पारित किए गए, आज 2 विधेयक है, लगातार और विधेयक आने वाले हैं, तो सरकार का ये जो सदन की कार्यवाही बुलाई है केवल विधेयक पारित करने के लिए, क्या समझ? मंशा तो ऐसी लगती है क्योंकि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें जनहित के मुद्दों को प्रमुखता मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार बिल के जरिए खानापूर्ति की कोशिश कर रही है और इसलिए ठीक है वो रस्म अदायगी कर लेगी, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का हित नहीं होगा। देखिए केवल बिल से पेपर लीक रुक जाते तो राजस्थान की ये दशा नहीं होती, और मुझे लगता है कि जो योगी का बुलडोजर मॉडल है, इस तरीके की नीति और नियत होती तो शायद उन लोगों में एक खौफ भी पैदा होता, एक व्यवस्था कायम होती, लेकिन केवल कागजी रस्म अदायगी से, लीपापोती से पेपर लीक और इस तरीके के अपराध रुकने वाले लगते नहीं, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो गया।